हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्टोरी। ओके, बहुत ही सिंपल से प्रेजेंट टेंस जो होते हैं उनको हम बहुत ही सिंपल से उनके रूल्स होते हैं। ये जितनी भी जो स्टोरी है ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ अपनी वर्ब्स को याद रखना है, ठीक है। उसके साथ में एस या ई एस लगता है। बहुत ज़्यादा हमें इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं जो कि मैंने अभी ये जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल है, इनको अगर हम अपनी डेली लाइफ में बोलना शुरू करेंगे तो हमारी स्पीकिंग भी अच्छी होगी और हमारी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इसी तरीके से जो है मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया था और मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो द फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है इसमें माई नेम इज़ रोहन, हम इसमें अपना नाम डाल सकते हैं। तो माई मीन्स होता है मेरा, नाम रोहन है, इज़ मतलब होता है, ठीक है, मेरा नाम रोहन है। आई लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता हूँ। लिव मीन्स होता है रहना और इन दिस हाउस इस घर में रहता हूँ। दिस इज़ माई डॉग, यह है मेरा कुत्ता है। हिज नेम इज़ टॉमी, हिज मतलब उसका नेम होता है, नाम इज टॉमी, उसका नाम टॉमी है। ही लाइक्स स्लीपिंग, ही लाइक्स मीन्स क्या होता है, पसंद करता है, ठीक है। हमारे जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं आप देख रहे हैं ना, सब करता है करती है में आ रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में आ रहे हैं, जो अभी हो रहा है उसमें आ रहे हैं। स्लीपिंग, उसको सोना पसंद है या वो सोना पसंद करता है। ही यूजली स्लीप्स अंडर द ट्री, ही यूजली मतलब क्या होता है, आमतौर पर। मैंने ये जो है वर्ड आपके साथ में पहले भी जो मेरे शॉर्ट्स हैं उसमें शेयर किया हुआ है, एक स्टोरी के अंदर भी आया था। तो जब हम बार बार रीडिंग करते हैं तो क्या होता है, हमें वर्ड्स भी याद हो जाते हैं, है ना, सिंपल होता है। जब उनको बार बार याद करेंगे ना तो आपको इजीली वो याद हो जाएगा। तो ही यूजली यानी कि वो आमतौर पर स्लीप्स अंडर द ट्री, अंडर मीन्स होता है नीचे, द ट्री यानी कि वो आमतौर पर ट्री के नीचे सोता है। आई हैव अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव मतलब मेरे पास हैं बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। I often play football with them. Often means क्या होता है, often means होता है अक्सर। So हम एक task भी करेंगे कि हम इसमें से कोई भी 5 words को लेंगे और उनसे हम sentence बनाएंगे, ठीक है। कोई भी 5 words आप इनमें से choose कर सकते हैं, मैंने सबकी देखी हिंदी जो उनकी लिखी हुई है उन्हीं को आपको choose करना है। I often play football with them, मैं उनके साथ अक्सर football खेलता हूँ, और हम एक एक उससे सेंटेंस बनाएंगे और उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ओके। इससे क्या होगा, हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती चली जाएगी और धीरे धीरे जब हम दूसरों के भी कमेंट्स पढ़ेंगे तो हमें फ़ायदा होगा ना, आपको सीरियसली उससे फ़ायदा होगा, आप इसको करके देखिएगा। आई ऑलवेज कॉल देम व्हेन आई वॉन्ट टू प्ले इन द पार्क, आई ऑलवेज मीन्स हमेशा, कॉल मीन्स सिर्फ फ़ोन करना नहीं होता, कॉल मीन्स बुलाना भी होता है, ठीक है। सो हमें हमेशा उनको बुलाता हूँ जब मैं पार्क में खेलना चाहता हूँ, वॉन्ट मीन्स होता है चाहना। आई नेवर गो टू पार्क अलोन, आई नेवर मीन्स कभी नहीं, गो टू पार्क अलोन मैं पार्क कभी भी अकेले नहीं जाता। अलोन मीन्स क्या होता है, अकेला, ठीक है। एक और वर्ड हमें मिल गया, अलोन मीन्स होता है अकेला। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, मेरे जो पापा हैं, वर्क्स मीन्स क्या होता है, वर्क्स मीन्स होता है काम करना या काम करते हैं, इन अ बैंक, मेरे जो पापा हैं या मेरे जो पिताजी हैं वो एक बैंक में काम करते हैं। सो इस देखिए इस वाले पेज के ऊपर ही हमें कितने सारे न्यू वर्ड्स मिल गए हैं। माई मतलब मेरा, लिव मीन्स रहता हूँ, हिज मीन्स उसका, लाइक्स मीन्स पसंद, स्लीपिंग मीन्स सोना, यूजली मतलब आमतौर पर, अंडर मीन्स नीचे, लॉट ऑफ मीन्स बहुत, और अक्सर यानी कि ऑफन, डैम मतलब उनके, ऑलवेज मीन्स हमेशा, वॉन्ट मीन्स चाहता, नेवर मीन्स कभी कभी, अलोन मीन्स अकेला, और वर्क्स मीन्स काम करते हैं। इनमें से कोई भी, अभी नेक्स्ट पेज पर भी हम पढ़ेंगे, तो कोई भी हमें वर्ड लेना है और हमें क्या करना है कि उस वर्ड के साथ में हमें कोई भी एक या दो सेंटेंस हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। सो ही यूजली कम होम लेट, ही यूजली कम्स होम लेट, वो आमतौर पर, यूजली मतलब आमतौर पर, कम्स मीन्स क्या होता है, कम्स मीन्स आते हैं घर लेट, वो आमतौर पर घर लेट आते हैं। ही लाइक्स सिटिंग हेयर एंड रीडिंग बुक्स,
ही लाइक्स, लाइक्स मीन्स पसंद करते हैं, सिटिंग मतलब बैठना, वह पसंद करते हैं बैठना एंड रीडिंग बुक्स, और बुक्स को रीड करना यानी कि बुक्स को पढ़ना जो है उनके पापा को बहुत पसंद है। तो देखिए बहुत सारे हमें वर्ड्स मिल रहे हैं ना, सिंपल सिंपल हैं, बट अगर हम इसको डेली लाइफ में अपनी में यूज़ करेंगे तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। कि मुझे रीडिंग करना पसंद है तो मैं कैसे बोलूँगी, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक राइटिंग, आई लाइक प्लेइंग। हम इनको कंटिन्यूसली जब बोलते रहेंगे ना बार बार तो हमें वो याद हो जाएगा। सो ही समटाइम्स यानी कि वो कभी कभी स्लीप्स व्हेन ही रीड्स, स्लीप्स मतलब सो जाते हैं, ही समटाइम्स स्लीप्स वे सो जाते हैं व्हेन ही रीड जब वो पढ़ रहे होते हैं, कभी कभी जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो सो जाते हैं, ठीक है। ही डजंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल और वॉचिंग इट ऑन टीवी। ही डजंट लाइक, डज नॉट, जब हमें नेगेटिव यूज़ करना होता है कोई सेंटेंस तो हम अपने प्रेजेंट टेंस के अंदर डज, डू या डज का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हमें वो किसके साथ में यूज़ करना है उसका एक फॉर्मूला होता है, उसका वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, और नहीं तो अगर आपको पता हुआ तो बहुत अच्छी बात है। तो जब हमें नेगेटिव यूज़ करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, ही डज नॉट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, उनको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, ठीक है, उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, और वॉचिंग इट ऑन टीवी, और यह है उनको टीवी पर देखना भी पसंद नहीं है, ठीक है। My mother is a teacher. My mother यानी कि मेरी मम्मी जो है is a teacher. वो एक teacher है. Teacher मतलब क्या होता है हिंदी में, अध्यापक। मेरी जो mother है वो एक अध्यापक हैं, ठीक है। She teaches English and she likes her students very much. She teaches English. Teaches means क्या होता है, पढ़ाना, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं, बट जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हम उसको बोलते हैं पढ़ाना या पढ़ाती हैं। वो इंग्लिश पढ़ाती हैं, वह इंग्लिश पढ़ाती हैं, एंड शी लाइक्स, वो पसंद करती हैं हर स्टूडेंट्स, उनके स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा, वेरी मीन्स मीन्स क्या हो गया, बहुत ज़्यादा, वो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। शी कुक्स डिलीशियस फूड फॉर मी। शी कुक्स, कुक्स मीन्स होता है वह पकाती हैं, डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट। जब भी देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी हम अपने घर में वर्ड्स यूज़ करते हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको हम इंग्लिश में बोलना शुरू करें। अगर हमें हेजिटेशन होती है बिल्कुल भी इंग्लिश में बोलने की तो हमें क्या करना है, हम उसी वर्ड को पहले हिंदी में बोल रहे हैं और अपने मन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको इंग्लिश में रिपीट कर सकते हैं, तो उससे हमारी वोकेबुलरी अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। आई लव हर सो मच, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट शी डजंट लेट मी ईट जंक फूड। ओके, शी डज नॉट लेट मी ईट मच जंक फूड, यानी कि वो नहीं पसंद करती हैं, यानी कि वो मुझे बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाने देती हैं, ठीक है, वो मुझे खाने के अलाउ नहीं करती हैं। डज योर मदर लेट यू, क्या आपकी मम्मी आपको करने देती हैं, क्या आपकी मम्मी आपको जंक फूड बहुत ज़्यादा खाने देती हैं? नहीं ना, हमारी किसी की भी मम्मी हमें जंक फूड बहुत ज़्यादा नहीं खाने देती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, क्योंकि मैं इस तरीके से इम्प्रूव कर रही हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, और इसीलिए ये जो तरीका है जो मैं फॉलो कर रही हूँ मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी तरह आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो इससे। सो आप इसमें से कोई भी एक वर्ड चूज़ कर सकते हैं और आप उसका जो है एक सेंटेंस क्रिएट कीजिएगा और आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इससे क्या होगा, और भी लोगों को हेल्प होगी, मुझे भी शायद आपसे हेल्प हो जाए, है ना। तो इस तरीके से हम एक चैन बना सकते हैं जिससे कि हम एक दूसरे को इंग्लिश सिखा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने टाइम को हम अच्छे से कैसे यूटिलाइज़ करें, ये बहुत अच्छा तरीका है। आप इसको प्लीज़ करके देखिएगा, और वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा है।